एवरीवन, प्रीलिम्स 2020 को टारगेट करते हुए और एग्जाम में आपके हिट रेशियो को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट की हुई इस वीडियो डिस्कशन सीरीज में टीम इनसाइट की तरफ से आपका स्वागत है। टुडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज उजाला एंड SLNP स्कीम। ये दोनों स्कीम न्यूज़ में इसलिए बिकॉज इन दोनों स्कीम के 5 जनवरी 2020 को 5 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। इन दोनों स्कीम के नाम से ही इनका ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा। जैसे कि उजाला क्या है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। इसके अंदर क्या है, अफोर्डेबल LEDs प्रोवाइड की जाएगी। और दूसरा है LED स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। इसमें क्या है, स्ट्रीट लाइटिंग पे LEDs को यूज़ किया जाएगा। सो दोनों के नाम से ही आपको ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा। ये दोनों स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक जॉइंट वेंचर है किसका, PSUs अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन दोनों स्कीम्स को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए। कौन कौन से अवार्ड है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवार्ड सापिया 2017, CIO 100 अवार्ड्स 2019, ग्लोबल सॉलिड स्टेट लाइटिंग अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ये इन अवार्ड्स भी इन दोनों स्कीम को मिले हुए। अगर उजाला की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, इसके अंदर टारगेट ऑफ रिप्लेसिंग 77 करोड़ इनकैंडेसेंट लैंप्स विथ LED बल्ब्स। जब LED बल्ब्स को यूज़ करेंगे तो ये एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम है, और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम होगा, एनर्जी का कम यूटिलाइजेशन होगा। जैसा कि आपको इंडिया के अंदर पता है, जो मेनली एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है वो थर्मल पावर प्लांट से किया जाता है। तो जब कोल को यूज़ करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन भी, अगर इनको यूज़ करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन भी कम हो जाएगा। और एनर्जी एफिशिएंट है तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी कम आएगा, तो जो मनी का सेविंग होगी उसको अदर एजुकेशन हेल्थ उसमें यूज़ कर पाएंगे। सो इसका अचीवमेंट क्या होगा, एनर्जी सेविंग, अवॉइड पीक डिमांड। जब एनर्जी एफिशिएंट को यूज़ करेंगे तो सबकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कंपेरेटिवली कम होगी, तो पीक डिमांड क्या हो जाएगी, पीक डिमांड की जो प्रॉब्लम आती है वो अवॉइड हो जाएगी, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन हो जाएगा एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इसके अंदर, स्कीम के अंदर फेज वाइज LED को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इसका ऑब्जेक्टिव मैंने अभी बताया, टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंट, इनहेंस अवेयरनेस ऑन यूजिंग एफिशिएंट इक्विपमेंट दैट विल रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स 2020 के लिए। अब ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत क्या है, जिसको 2018 में स्टार्ट किया गया था, इसके अंदर जो पुअर हाउस होल्ड्स है उनके लिए जो LED बल्ब्स की जो प्राइस है वो बहुत ही स्पेशल टाइप की प्राइस, बहुत ही कम रेट में उनको, पुअर हाउस होल्ड को प्रोवाइड की जाएगी। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जो विलेजेस सेलेक्ट किए गए उनके जो पुअर हाउस होल्ड है उनको इस उजाला स्कीम के तहत बहुत ही कम रेट में LEDs को प्रोवाइड किया जाएगा। लेट्स मूव टू दूसरा पार्ट है SLNP। ये भी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड क्या करेगा, कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट से उसको रिप्लेस करेगा, किससे, LEDs के द्वारा अपनी खुद की कॉस्ट से। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। इससे क्या होगा, जब स्ट्रीट लाइट प्रॉपर रहेगी तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एट नाइट एंड मेड रोड सेफर फॉर पेडेस्ट्रियन एंड मोटरिस्ट ड्यू टू इन्हेंस ब्राइटनेस एंड रिड्यूस्ड डार्क स्पॉट एक्सीडेंट की भी चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अंदर मार्च 2020 तक जो रिप्लेस करने का टारगेट है, 1.34 करोड़ कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स को LED से रिप्लेस करने का टारगेट है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, लामू रीजन बेसिकली केन्या के अंदर है। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज USA का जो मिलिट्री बेस को जो यूज़ करता था USA, उसके ऊपर सोमालिया का जो अल शबाब ग्रुप है उन्होंने अटैक किया है। ये न्यूज़ का कंटेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोकेशन को यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये आपका साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसका ईस्टर्न कोस्ट पे है ये केन्या, और केन्या के वहाँ पे ये आप देख सकते हैं मैप में, केन्या है, उसकी कैपिटल है नैरोबी, यहाँ पे कंट्री तंजानिया, ये आपका सोमालिया जिसकी कैपिटल है मोगदिशु, और केन्या के अंदर ये यहाँ पे इस कोस्ट पे है लामू रीजन, और यहाँ पे है ये इंडियन ओशन। तो इसलिए ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो लामू रीजन जो क्या है, बेसिकली एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ केन्या पे है, और यहाँ पे 19th century से मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल्स को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। तो ये एक स्टडी पॉइंट बन गया है इस्लामिक एंड स्वाहाली कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप याद रखना, लामू रीजन केन्या के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक, IDRSS इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। अब ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है, पहले इसको आप ध्यान से समझ लो। सपोज करो ये आपका अर्थ है,
अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में इस चक्कर लगा रहे हैं। जो सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो अराउंड होता है 90 मिनट। इसका मतलब 90 मिनट में सैटेलाइट है वो यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो ग्राउंड स्टेशन हमने लगा दिया तो उस स्टेशन पे किसी पर्टिकुलर जो सैटेलाइट है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम तक हमारे पास में रहेगी जब वो इस रेंज में रहेगा, फिर वो घूम के जब यहाँ आ जाएगा तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए इन ग्राउंड स्टेशन से उसके लिए ये सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा IDRSS। इसके अलावा क्या होता है, अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इंडिया क्या करता था कि अपने कुछ जो बेसिस है उन्होंने इंडिया के अलावा जो फ्रेंडली कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया में भी इस्टेब्लिश किया हुआ है इस सैटेलाइट की लोकेशन को वो करने के लिए। इसके अलावा इसरो ने जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है उनकी जो स्पेस एजेंसीज है उनके साथ भी कोलेब्रेशन किया हुआ है, जैसे कि आपका नासा है, रशिया की स्पेस एजेंसी है उनके साथ में। किसके लिए, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसकी कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही थी टू द कंटिन्यूस, तो उसके लिए ये IDRSS सैटेलाइट है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो आपका ये अर्थ है यहाँ पे आपका ये लोअर अर्थ ऑर्बिट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट जो 300 से 400 किलोमीटर और उसके ऊपर ये आपका चल रहा है दूसरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसके अंदर 2 या 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सेंड किया जाएगा। अब जैसे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसकी रेंज होगी ये आपका 120 डिग्री एंगल पे, फिर दूसरे वाले की ये होगी 120 डिग्री एंगल पे और इसका भी होगी 120 डिग्री एंगल पे। तो अब ये तीनों 2 या 3 जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे ये क्या करेंगे, इस पूरे लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर जितने भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन इनके पास में कंटिन्यूसली आ जाएगी। और अब इसरो को दूसरे जो कंट्रीज़ के जो साथ कोलेबरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, अब जो ग्राउंड पे खाली एक ही स्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जितने भी सैटेलाइट यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं सारे सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन जाएगी IDRSS सैटेलाइट के पास में और वहाँ से किसके पास आएगी, एक ग्राउंड जो स्टेशन है उस पर आ जाएगी। तो ये बेसिक पर्पज़ है। इसके अलावा क्या है, जैसे आपको बताया हमने कल डिस्कस किया था गगनयान मिशन, तो गगनयान मिशन के अंदर जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमारे एस्ट्रोनॉट रहेंगे तो किसी भी टाइप के उनको प्रॉब्लम फेस नहीं हो, इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उनको कंटिन्यूस मॉनिटर करना जरूरी है। तो कंटिन्यूस मॉनिटर अब कैसे होगा, इससे पहले इनको लॉन्च किया जाएगा IDRSS को। तो IDRSS क्या करेगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट होंगे वो जिसमें से आपका ये गगनयान मिशन भी रहेगा तो वो भी उस एस्ट्रोनॉट के बारे में भी कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन ग्राउंड पे आती रहेगी। इसके अलावा जो हाइसिस जो आपका जो है ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है उसके लिए क्या होता है, डेटा को जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही फास्ट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो अब जो एक ये सिस्टम रहेगा तो वो भी उसको भी अचीव कर पाएंगे। तो बेसिक आपको मैंने समझा दिया, अब IDRSS को देख लेते हैं। द डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम इज प्राइमरली मेंट फॉर प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस रियल टाइम कम्युनिकेशन ऑफ लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन स्पेस मिशन टू द ग्राउंड स्टेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं ये क्या बोल रहे हैं। इसके अंदर क्या 2000 किलोग्राम सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा GSLV से और कहाँ पे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, जिसकी कितनी हाइट पे होता है 36,000 किलोमीटर, एग्जैक्ट बात करें तो 35786 किलोमीटर है। आप रफली याद करो 36 किलोमीटर की हाइट पे होता है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या होता है, जो आपका सपोज करो ये अर्थ है, जियो सिंक्रोनस होता है वो किसी भी एंगल पे हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हो सकता है, लेकिन जियो सिंक्रोनस जब इक्वेटोरियल प्लेन के अलॉन्ग होता है तब उसको बोलते हैं ये जियो स्टेशनरी। तो बेसिकली जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का एक स्पेशल फॉर्म है जब सैटेलाइट कहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा, इक्वेटोरियल प्लेन में। तो आपको एग्जाम में इस तरह से वर्ड आ जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर आएगा जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट, मतलब जियो सिंक्रोनस का जो इक्वेटोर के अलोंग जब वो रिवॉल्व करेगा तो उसको जियो स्टेशनरी ही बोलेंगे। टू कवर से 1/3 ऑफ द अर्थ एंड देयर फॉर 3 ऑफ देम कैन प्रोवाइड टोटल कवरेज, जैसे कि मैंने अभी बताया हाइसिस हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट विच प्रोवाइड्स हाई प्रिसीजन इमेजेस इन मल्टीपल स्पेक्ट्रा रिक्वायर्स हाई डेटा ट्रांसफर एट फास्टर स्पीड, तो वो भी रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जाएगी। कम्युनिकेट विद ऑल दी सैटेलाइट्स इन लोअर अर्थ ऑर्बिट एंड डाउनलिंक द डेटा डायरेक्टली टू द वन सिंगल ग्राउंड स्टेशन। अब इसरो को दूसरों के साथ में कोलेबरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, एक ही ग्राउंड स्टेशन से पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक तुलू लैंग्वेज। तुलू लैंग्वेज को बेसिकली 8 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करने के लिए डिमांड चल रही है। ये न तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है और न किसी अदर कंट्री की है, ये द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि तुलुनाडु रीजन है, तुलुनाडु तमिलनाडु नहीं है,
तुलुनाडु। तुलुनाडु के अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं? कर्नाटका का दक्षिण कन्नड़ा एंड उडुपी वाला जो रीजन है वो आता है, और नॉर्थन पार्ट ऑफ द कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये लोकेशन आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उसका नॉर्थन पार्ट आता है तो इस तुलुनाडु के अंदर, जहाँ पर ये तुलु लैंग्वेज बोली जाती है। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है सप्तभाषा समागम भूमि। सप्तभाषा का मतलब ये सेवन लैंग्वेज, द कन्फ्लुएंस ऑफ सेवन लैंग्वेजेस एंड तुलु इज वन अमंग द सेवन। अब इसके अलावा जो ग्लोबल एफर्ट्स की बात करें तो एक डिक्लेरेशन का नाम आता है, येउलू डिक्लेरेशन। ये किसके द्वारा है? यूनेस्को के द्वारा, जो ये बताते हैं कि जो आपको किससे रिलेटेड है, टू प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी। तो वो भी बोलते हैं कि जो आपकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2019 को डिक्लेयर किया है एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। आर्टिकल 19 के अंदर प्रोविजन है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। जो आर्टिकल 29 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और नंबर ऑफ स्पीकर्स की बात करें तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग तुलु लैंग्वेज के जो स्पीकर्स है वो 18 लाख के आसपास है, जो कि आपके मणिपुरी और संस्कृत लैंग्वेज से भी ज़्यादा है, और ये दोनों लैंग्वेज 8th शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है। लिटरेरी रिकॉग्निशन की बात करें तो रॉबर्ट कॉल्डेल के अकॉर्डिंग उन्होंने तुलु लैंग्वेज के बारे में बोला है कि ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन फैमिली। जब इसको 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा तो बेनिफिट क्या होंगे, एडवांटेज रहेंगे कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होंगे, जो जो डिस्कशन है वो तुलु लैंग्वेज को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बोल सकेंगे। इसके अलावा जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, जैसे IAS वगैरह, जिसमें अभी 22 लैंग्वेजेस में आप एग्जाम ले सकते हैं, बाद में उसको भी लिख पाएंगे। स्पेशल फंड प्रोवाइड किया जाएगा, टीचिंग ऑफ तुलु इन प्राइमरी एंड हाई स्कूल। इसके अलावा रिकॉग्निशन फ्रॉम द साहित्य अकेडमी एंड ट्रांसलेशन ऑफ तुलु लिटरेरी वर्क्स इनटू अदर लैंग्वेजेस। अब नेक्स्ट टॉपिक डिजी लॉकर। डिजी लॉकर न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टैंड मांगा है। किस चीज़ पे? इस डिजी लॉकर के अंदर एक प्रोविज़न ये है कि सपोज़ करो किसी पर्सन ने अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना दिया, उसके बाद में उस पर्सन की डेथ होगी, तो डेथ होने के बाद में इसमें नॉमिनी की फैसिलिटी नहीं है, मतलब उसके बाद में उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता, वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो ये इसके ऊपर एक पिटीशन फाइल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इसका स्टैंड माना है कि आपका क्या स्टैंड है इस पर्टिकुलर नॉमिनी फैसिलिटी के रिलेटेड। जो डिजी लॉकर की बात करें तो ये डिजी लॉकर इज़ ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। आप इस तरह से आपको डिजी लॉकर अकाउंट को आप ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए, और जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अटैच्ड है, और आपका आधार कार्ड नंबर चाहिए। अब इससे इसके बारे में ये बात है कि आप डॉक्यूमेंट्स है, सपोज करो आप ड्राइविंग लाइसेंस है, कभी आप लाइसेंस भूल गए तो आप इसके अंदर जो लाइसेंस आपने डाउनलोड कर रखा है वो भी आप उस ट्रैफिक पुलिस वाले को आप बताएंगे तो आपका काम चल जाएगा। मतलब उस डॉक्यूमेंट की सेम वैलिडिटी रहती है जैसा कि वो फिजिकल फॉर्म में रहता है। तो आप एक बार इसको यूज़ कर जरूर करना। ये क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट विच कैन बी इजीली वेरीफाइड एंड स्टोर्ड इन प्रिंटेबल फॉर्मेट। इसके अलावा ये क्या स्टोर कर सकता है? जो आपका URI लिंक है, जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड किए जाएंगे उनके लिंक को भी स्टोर कर सकता है। तो आप याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट किया है डिजी लॉकर, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, और उनकी वैलिडिटी वो सेम ही रहती है जो कि फिजिकल डॉक्यूमेंट की रहती है। नेक्स्ट टॉपिक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड, साइंटिफिक नेम है ये इसका। हैबिटेट की बात करें तो ड्राई ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन आर फाउंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा है, और राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है, और लोकली इसको बोलते हैं गोडावन। क्या बोलते हैं? गोडावन। अब प्रोटेक्शन की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स के अकॉर्डिंग अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आइडेंटिफाई किया है एज वन ऑफ द स्पीसीज जो रिकवरी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा उसके अंदर कुछ स्पीसीज को सेलेक्ट किया था जिनको रिकवर करना था, उसके अंदर एक स्पीसीज ये भी है। और राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है इसके नंबर को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट गोडावन भी बोलते हैं, और ये इसके प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ पर ये पाया जाता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी सीन इन द न्यूज़ रेफरेंस टू, डिजिटल सिंगल मार्केट ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 के अंदर, ये टर्म रिलेटेड है EU से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर द एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, जो नेम स्कीम है, नेम स्कीम के क्या बेनिफिट है। इट इज़ ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, यस इट इज़ करेक्ट। इसके अंदर आप जो फार्मर है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपने जो कमोडिटीज़ को सेल कर सकता है। इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विथ प्राइसेस कमेंसुरेट विद द क्वालिटीज ऑफ देयर प्रोड्यूस, यस ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। स्कीम्स पे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने उजाला और SLNP को डिस्कस किया था। सीसेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ना अच्छे से, और ये ब्लड डोनेशन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको मैंने पीछे डायग्राम भी बना दिया आपकी, इसके लिए आप उसको पूरे अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, जो फीमेल को मैंने ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया है और मेल को मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। तो जब पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ना और एक एक रिलेशन को आप खुद अपनी जगह ऑब्जर्व करना कि हाँ मैं हो, मेरे अकॉर्डिंग ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, तो पूरा डायग्राम आपके पास में आ जाएगा और आप क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसने पूछा है कि हु इज़ ई, तो ई कौन है, वाइफ ऑफ एफ, ग्रैंड मदर ऑफ ए और आंट ऑफ सी। जब आपको पीछे वाले डायग्राम को अच्छे से आप खुद से बना के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि तीनों कंडीशन मीट हो रही है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।